सब बैठ गए, मैं चलो चेयर पे मैं ही बैठ जाता हूँ। लड़की खड़ी हुई है, तू खड़ा हो जा, उन्हें बैठने दे। सर ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है, लड़की जैसी दिखती है सिर्फ। ओह हेलो, नमस्कार, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ओह ऑलरेडी ऑलरेडी। देखिए ये थोड़ी सी एंथुजियास्टिक रोबोट है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो लड़की है आपसे आपसे फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहेगी। ओके गो। मिस्टर फरहान अख्तर। मी? Yes. She's just looking at me. Question. वो रहे। Question. पूरे 50 रुपए के लिए आपका पहला सवाल ये रहा। एक मिनट, ये केबीसी नहीं हो रहा, ठीक है मैं ही पूछता हूँ, ये थोड़ा सा फॉल्टी रोबोट है हमारा। वो जो चाबी भरते ना हम लोग। जी जी। वो थोड़ा चाबी कम भरी लगती है। ये चाबी ज्यादा भरती सर, ये केबीसी तक चली गई। अच्छा मैं सवाल पूछ लूं फरहान सर से। फरहान सर जी, ये नीचे कर दो। फरहान सर हमने ट्रेलर देखा लखनऊ सेंट्रल का, कमाल का ट्रेलर है, पहले तो ट्रेलर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ट्रेलर में एक बहुत बड़ी बात आपने कही, प्लान कुछ और है। आप कुछ स्कीम करता हुआ नजर आ रहे हैं, प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें बताइए कि क्या है लखनऊ सेंट्रल में। लखनऊ सेंट्रल एक मतलब बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो सपनों के बारे में है, उम्मीदों के बारे में है। और एक बात जाहिर है कि मतलब इंसान जो भी हो, वो जेल से बाहर हो या जेल के अंदर हो, वो सपने देखना नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब एक किरदार के बारे में है और किस तरह से जो उसका एक सपना था कि वो फिल्मों में म्यूजिक दे, उस सपने को लगता है कि उसके हाथ से वो सपना निकल गया है जब वो जेल जाता है, लेकिन जहाँ उसकी मुलाकात होती है बहुत से प्यारे दोस्तों के साथ, जो एक NGO वर्कर हैं गायत्री कश्यप जी, जब वो भी मिलती है मुझसे, तो फिर से वो एक उम्मीद जाग उठती है और किस तरह से सपना पूरा होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे उसने पहले सोचा था। और इस दौरान एक अलग भी ट्रैक है, लेकिन उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, कॉल्ड लखनऊ सेंट्रल। आई जस्ट लव दिस रोबोट मैन, आई लव यू टू। आप जिस तरह इस इंटरव्यू में अकेली लड़की है, ये तो रोबोट है, इसे मत देखिए। वैसे आप शूटिंग पे भी अकेली लड़की थी जी, इतने सारे लड़के, सो डिड यू रियली लव द अटेंशन? नोबडी गेव मी एनी अटेंशन, आई थिंक दे वर ऑल स्केयर्ड ऑफ मी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये हो रहा बात। ये पूरी फिल्म नाइट में शूट हुई है? नहीं, लगभग पूरी बात लगभग ठीक है। अब डायना जी गायत्री कश्यप का रोल कर रही है, तो इनका जितना काम हुआ था वो दिन में हुआ है, बाकी पूरी फिल्म जो है वो नाइट में फिल्माएंगे। और लड़कों को कब सूझता है प्रैंक्स? नाइट में जी, ये आती थी डे में। ओ, तो ये चले गए और प्रैंक रह गए बस एक दूसरे के साथ करने के लिए। अच्छा अच्छा आप पूछ लो। मिस्टर दीपक, मिस्टर इमाम, आपने यहाँ पर 3 वेरी म्यूजिकली टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया, मिस्टर फरहान अख्तर, मिस्टर गिप्पी गरेवाल, मिस्टर रवि किशन। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप म्यूजिकली आउट ऑफ सुर हो रहे हैं? मतलब माथा पीट पीट के भी हमें भी कुछ आ गया थोड़ा सा, तो हमने अपनी बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बना लिया। बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बना लिया, ये कैसे किया सर आपने? ये बड़ा सिंपल है। हो गया आपका क्वेश्चन खुश। रवि सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है। मैं इसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का रोल कर रहा हूँ और बहुत मजा आएगा बाबू, बहुत कड़क वाला रोल है मेरा, बहुत मजा आएगा। द ड्रामा कंपनी में हम कुछ चीजें अनोखी करते हैं, तो अब हम आपको कुछ प्रॉप्स देंगे और एक छोटी सी गेम आप सबके साथ खेलेंगे। ओके चलिए। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप तैयार है? Yes, we are ready. Yes. देखिए सवालों का जवाब आपको इनिशियल्स में देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मिल्खा सिंह का रोल किसने प्ले किया था, तो आपका आंसर है वेरी सिंपल, ठीक है? ऑलराइट, रेडी? क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सेट का भुक्कड़ कौन है? भुक्कड़ सेट का भुक्कड़।
खुद का नाम नहीं लिख सकते। मैं भुक्कड़ मतलब जिसको सबसे ज्यादा खाने। तुमने किसका लिख दिया? मैं दिखा दीजिए, टाइम ओवर। आई थिंक सर ये आपको जाता है सर। नहीं मगर मगर प्लीज आप समझ जाइए, जब आप बोल रहे हैं भुक्कड़, मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये किस बारे में बात हो रही है? मैं सीन के भुक्कड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई मेरा तो सब कब आएगा? मेरे शॉट कब लिए जाएंगे? तालियां। डायलॉग इनका है, मैं भी कुछ बोलता हूँ। ये अब ऐसे सर उल्टा घूम जाते ना अगर। हाँ जी ओके सर। अरे ओ आपको टिश्यू दिए, मैं खुद आ जाऊंगा। अरे लारा नहीं। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर टू। सबसे ज्यादा डायना के साथ कौन फ्लर्ट करता था? और अभी अपना नाम भी लिख सकते हैं आप। ओह नाउ अपना नाम लिख सकते हैं। सर आगे आंसर आगे सर। आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये मैं लिख दूं सर? नहीं मैं आपको मैं कहानी बता दूं। कहानी सुन के। हाँ कहानी ये है कि मैं डायना जी को बहुत पहले से जानता हूँ और इनसे जुड़े कुछ लोग भी हैं जो मेरे दोस्त हैं और इनके जो मेन लंबे सीन्स हैं वो सारे मेरे साथ हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सेट पे, क्योंकि एक ही महिला है पूरे देखिए गुट में, कहाँ कैदी जेलर सैनिक लोग और वहाँ पर ये देखिए करेक्ट, तो फर्ज बनता है कि नहीं कि मैं इन्हें एंटरटेन रखूं? रोनित दादा नाउ आई अंडरस्टैंड, अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा था। व्हाट दादा? ये दिन और रात का फर्क सिर्फ आप ही को क्यों समझ में आया? इस राउंड के विनर है रोनित दादा, जोरदार तालियां। एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं फरहान सर के बारे में। आई थिंक उन्होंने इस फिल्म में एकापेला प्ले किया है। Am I saying it right? हाँ सही कह रहे हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं है क्या सर, प्लीज बता दीजिए व्हाट इज एकापेला। एकापेला बेसिकली ये है कि आप संगीत बनाएं मगर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए। ओके तो सारी चीजें जो होती है सिर्फ आवाज। ओके या फिर जैसे बॉडी पर मैं दिखाया आपको बॉडी परकशन जो भी वैसे सारी चीजें, लेकिन कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साथ नहीं बज रहा है। अच्छा देखिए अभी आपने फिल्म में तो बहुत बैंड बजाया है। हाँ। आप द ड्रामा कंपनी पे आए हैं, यहाँ पे भी हमें एक थोड़ा सा नमूना देखना है, लेकिन हमारे पास कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं जिससे शायद थोड़ा म्यूजिक निकल आए। अच्छा तो मैं ले आता हूँ। चाय ले लो। नहीं ये पिक्चर में भी है। ओके एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। जो आपने यहाँ सुना जी। और जो आप एल्बम में सुनेंगे। हाँ। यहाँ हम बजा रहे थे, एल्बम पे तौफिक कुरैशी साहब ने बजाया है, तो हम वो ट्रैक बजा देते हैं एक बार। हाँ क्यों नहीं, बेस्ट। Okay. क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? I like it. आज तो बड़े हॉट हॉट कैदी आए हुए हैं यहाँ पर। क्या बात है, ये मेरा जेल है या फिर हैरम? So दीदी किस जुर्म में अंदर आए हो? स्पीच दे रहा था। किसे? पब्लिक को। क्या गृहस्थ आश्रम में बाबा का क्या काम?
तो डायना जी, तुम्हारा क्या जुर्म है? अरे इनका एक ही जुर्म हो सकता है, जवान दिलों को घायल किया इन्होंने, लड़कों को घायल किया, इसीलिए यहाँ पर आई, और क्या जुर्म होगा? ज्यादा लड़कों से पास मत आना सर। दीपक सर, मैं आपके बाबा बताऊं, ये उधड़ा हुआ ब्रश यूज करने से अच्छा है कि बिना ब्रश किए आप चाय पी लीजिए, ये देख रहे हैं। शायद तुम्हें पता नहीं कि ब्रश अगर घिस भी जाए ना तो भी काम आता है। किसके? भले ही तुम उससे ब्रश मत करो लेकिन पैजामे में नाड़ा तो डाल सकते हो ना। वैसे तुम सबको मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि ये सब कुछ लखनऊ सेंट्रल में चलता था, यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो आप क्या करेंगी? हाँ, क्या कर लेंगी आप? यहाँ पर अगर किसी ने मेरे कायदे और कानून को तोड़ा तो उसे रिहाई दी जाएगी। कानून तोड़ने पर रिहाई दी जाएगी, ये क्या मतलब हुआ? रिहाई ये मतलब डंडा। चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। चाहिए तुम्हें? अरे एक मिनट, जेलर साहिबा। मैं इन सबका जेलर हूं और मैं सीएम साहब से आपकी भेंट करा दूं। ये सीएम साहब हैं। ओह हो, ये सीएम साहब हैं जी। इसका मतलब मैंने सीएम साहब का पॉकेट मार रहा था मैं। ये जो डंडे वंडे आप दिखा रही हैं, ये इसको जरा आप साइड में करिए, और ये जो है मैं पहले तो इनको लेके जाता हूँ अपने साथ, और मैं अपने कैदियों को भी ले जाता हूँ। आप भी आइए, चलिए चलिए। फरहान सर, इससे दूर रहिएगा, मैं सब समझ चुका हूँ। इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इसका दिल चाहता है कि आपके साथ भाग मिलकर भाग करे, लेकिन नहीं सर, यू रॉक ऑन, आप रुक जाइएगा। और इसके चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। बिल्कुल, पता है क्यों? नहीं तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो जाएगा, क्योंकि अंदर से ये कार्तिक है। दूर है, दूर है, क्या कर रही? वैसे सच कहूं तो मैं अभी भी आपको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हमेशा के लिए मेरे कैद में आ जाइए, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर दूंगी। यार इससे अच्छा होता मुझे आप काला पानी दे दो। अरे अरे आपको जो ड्रिंक्स चाहिए मैं आपको दे दूंगी, लेकिन एक बार हाँ कह दो प्लीज। हाँ कह दिया। हाँ अरे हाँ कह उन्होंने दिया, इन्होंने कह दिया। मैंने कहा हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, आपने हाँ कह दिया। देखो आप वैसे भी हाँ कहो या ना कहो, शादी तो आपको करनी पड़ेगी मुझसे। मैं तो वरमाला भी लाई हूँ अपने साथ। ये कैसी शादी? आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की पूछताछ अंदर करेंगे। अंदर कहाँ? अंदर चले। मगर मैं कुछ नहीं जानता। आप चलिए तो सही, चलिए तो सही। अरे क्या कर रहे हैं आप? फरहान, आपको देख के जागे दिल में कई अरमान। सच? तो क्यों ना मैं तुम्हारे अरमानों को गहरी और लंबी नींद सुला दूं? हाय, सच सच कहो, हनीमून पर कहाँ ले जाओगे? क्या बोला तूने? बोला मैं तेरे को हनीमून पे लेके, तेरे को कौन हनीमून पे लेके जाएगा? अबे यहाँ से फाड़ना है अपने को। चल। फरहान, फरहान, तुम, ओह, मतलब तुम जेल तोड़ के भाग रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो असलम भाई के खारी बिस्किट खाने को आया था। मैं तो, हाँ मैंने अरे यार तू इधर से क्यों आया? इधर से रास्ता खाली था, मैं इधर से आ गया। अच्छा तो चंगू और मंगू साथ में भाग रहे थे। हवलदार कौन है? आया, फटाफट इन दोनों को टॉर्चर रूम ले चलो। चलो चले, चलो। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ नहीं किया सर मैंने। ऐसे होता ना सर टॉर्चर रूम में, ऐसा करते हैं, मैंने सुना है थोड़ा सर। मेरे सर, को बहुत मजा आता है। लखनऊ सेंट्रल में आप जेलर हैं,
जैसे कैदी आपके वहां से भागे थे, ये कैदी यहाँ से भागना चाहते थे। अच्छा अच्छा, ये दोनों हैं या जो यहाँ से भागना चाह रहे? अरे रिहाई के बाद भी लोग यहाँ से नहीं जा पाते, तुम दोनों जेल तोड़ के जाना चाहते थे सर? हाँ। मैं तो कहती हूँ इन्हें थर्ड डिग्री देनी चाहिए। थर्ड डिग्री देनी चाहिए। थैंक यू। अब हमें जॉब मिलेगी, डिग्री मिलेगी। एक मिनट सर जी, मैं थर्ड आया हूँ तो फर्स्ट कौन आया? क्या बकवास कर रहा, थर्ड डिग्री मतलब ये लोग मारेंगे हमें। बताते क्या करेंगे। बेटे जाओ बर्फ की सीली लेके आओ। ओके। अच्छा बाय चांस बर्फ नहीं मिली तो चकना जरूर लाना, बिकॉज़ आई डोंट नो, जमता नहीं। सर मेरे लिए तो बर्फ बिल्कुल नहीं मंगाना, मेरा गला खराब हो जाता है, और कुछ ठंडा मंगवा लो। अच्छा बर्फ नहीं मंगवाना, ठंडा मंगवा लो, क्या बकवास कर रहा तू? यहाँ है बर्फ। वहाँ है? लेटाओ। चलो अब तुम दोनों को लेटाएंगे। लेटाने के लिए तो बेड मंगवाते, ये दो घंटे में खत्म हो जाएगी, कोई फायदा तो होना है। गद्दा मंगवा लो मेरे ना, आराम से। नहीं नहीं मैं पता क्यों कह रहा हूँ। हाँ। गद्दा मंगवा लो मेरे को ना, ये स्लीप डिस्क की बहुत प्रॉब्लम है। ये देखो चलो लेटो उस पे, थोड़ा गर्म कर लेते हैं। लेटो लेटो उस पे। हवलदार मारो 100-100 डंडे इसको, और तब तक मारो जब तक ये चीखे नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।